नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ महक और आप देख रहे हैं जेड टीवी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। जिला अधिकारी की औचक निरीक्षण के दौरान गायब मिले चिकित्सा अधीक्षक। मुरादाबाद जिला अधिकारी के निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलारी एवं महिला विंग की अधीक्षक दोनों ही अपनी अपनी ड्यूटी से गायब मिले, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग के प्रति जिला अधिकारी ने दिखाई सख्त नाराजगी। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार प्रदेश भर में दावे वादे करते हैं, लेकिन मुरादाबाद से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां जिलाधिकारी मुरादाबाद मानवेंद्र सिंह द्वारा अचानक बिलारी सीएससी में मुख्य डॉक्टर ही नदारद मिले। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह जनपद में लगातार सभी विभागों में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और व्यवस्थाओं को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं, लेकिन बिलारी अस्पताल की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। अस्पताल में अचल पड़ी व्यवस्थाओं एवं सीएससी प्रभारी प्रवीर श्रीवास्तव एवं महिला वार्ड की प्रभारी रेशमा भी नजर नहीं आई। इसको देखते हुए जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह की तरफ से नोटिस देकर जिला चिकित्सा अधिकारी से जवाब मांगा गया है एवं कमियां देखते हुए कार्यवाही की बात भी कही है। सीएससी प्रभारी परवीर श्रीवास्तव से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरे भाई की तबीयत सही नहीं थी, उनका इलाज मेरे द्वारा किया जा रहा है, इसलिए मैं इमरजेंसी में चला गया था। इस दौरान डीएम साहब अस्पताल में आए थे तो ताला लटका हुआ मिला और कई कमियों को लेकर सख्त नजर आए थे। बिलारी परवीर श्रीवास्तव ने ये खुद माना है कि हाँ कमियां हैं एवं महिला विंग की डॉक्टर रेशमा जी से बात की गई तो वो भी कैमरे पर अपनी सफाई देती हुई नजर आई, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की लचर पड़ी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होने के बाद लगातार स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक सख्त नजर आ रहे हैं। उनके आदेश और निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए अधिकारी ठेंगा दिखाने का कार्य कर रहे हैं। हम भैया पर्चा यहाँ आए, हम दवा लेने बहुरनपुर से, तो हमने की पर्चा बनवा लो पहले, तो ये बोली का पर्चा बनवा लें, तो ये भैया बोले पर्चा सबके लेडीजों को बनना, जेंट्स को बनना है यहाँ, तो ये बोले पर्चा नहीं बनेगा उधर जहाँ पन्ना अस्पताल में, तो हमें तो एक घंटा से आधा घंटा ज़्यादा होगा समझ लो, तो हम तीसरा का फिर आए हैं, जब तुम्हारी गाड़ी आई है तो हमने फिर कही, तभी भैया समझा रहे कि ये लोग चूतिया बनाते हैं, तुम वहाँ जाओ पन्ना लंग जाओ, अब जो क्या का अभी हाल बनवा हुआ पर्चा, मेरे पर्चा तो दो बना करते कर, हमसे कहना नहीं है तुम, अगर नहीं देगा डॉक्टर क्यों नहीं देखेंगे पर्चा दे बना कर, ये कौन कह रहे डॉक्टर ना देखेंगे, ये कह रहे ये पर्चा जो बनाए हैं, कौन सा अस्पताल है ये, जो अब जो तो ना पता सरकार, ये जो तो किस जगह है, बिलारी में है, जो तो बिलारी में लगे, किस चीज की दवाई लेना है अस्पताल में, दवाई लेना आई, छींक आ रही है, जुकाम है, बुखार है, क्या हुआ, तो कितनी देर के आए हुए, कितना समय लगा पर्चा बनने में, क्या क्या दिक्कत आ रही थी, यही दिक्कत है, पसंद दिया उन्होंने बना का, क्यों क्या कह रहे थे, हमें पलंग जाओ पलंग बनाएगा से पर्चा, अभी ने कहा लेडीज का अलग है, क्या कह रहे थे, कल लेडीज का पर्चा अलग बनेगा, आप कहाँ से बनाए, हमने क्या बनवा हुआ, बड़ी मेहनत से बना कर देते ना, जब आप आए तो कितनी भीड़ थी यहाँ, नहीं भीड़ तो नहीं थी, क्यों दिक्कत कर रहे थे, कहा पता है दो ही ने पर्चा बना, तीसरी बार आई हूँ मैं घूम घाम का, कितनी देर में तीसरी बार आ गई है, हाँ कितनी देर में, हाँ हो आधा घंटा होगा, या तो एक तो सीएससी पे ताला बन पाएगा जो कि नहीं होना चाहिए था, जी सर जी सर, छुट्टी है लेकिन छुट्टी में भी इमरजेंसी सेवाएं रहती हैं, जी सर ताला बन पाएगा, तथा जो मेटर्निटी विंग में केवल एक पेशेंट एडमिट था, उसके खाने की व्यवस्था नहीं थी, जी सर मैंने अपने सामने बहुत देर के बाद इंतजार करना पड़ा मुझे, उसके बाद रसोई घर का ताला खुला, लंच उनको देना था तो पहले से लंच की तैयारी होती, जी सर तो उससे स्पष्ट है कि खाना आने की व्यवस्था यहाँ पर है नहीं, जी सर और दोनों जगह पर सीएससी के जो जो अधीक्षक हैं वो भी एब्सेंट पाए गए, और मेटर्निटी विंग में जो क्या नाम है उनका, रेशमा, अरे वो भी अनुपस्थित पाएंगे, ठीक सर केवल कार्रवाई का। ऐसी ही ताज़ातरीन खबरों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और देखते रहिए जेड टीवी न्यूज 24। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ, धन्यवाद।